1857 की भारतीय क्रांति के पश्चात यह अनुभव किया गया कि शासक और शासित वर्ग के बीच गहरी खाई विद्रोह का मुख्य कारण है। अतः 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार कानून आदि बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिलों की व्यवस्था की गई। 1892 में एक्ट को नया स्वरूप दिया गया। काउंसिलों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया तथा उन्हें बजट पर बोलने का अधिकार भी दिया गया। 1909 में इसमें पुनः संशोधन हुआ। इसके अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या 21 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। बर्मा और पंजाब को छोड़कर अन्य प्रांतों के काउंसिलों में सदस्यों की संख्या 50 रखी गई। प्रत्येक काउंसिल में सदस्यों के 3 वर्ग थे, नामजद, निर्वाचित और सरकारी अधिकारी। केंद्रीय काउंसिल में यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत ना हो सके। 1923 में विधान परिषद के दूसरे चुनाव में पंत जी स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। 8 जनवरी 1924 को परिषद के अध्यक्ष मिस्टर माइकल कीन ने शपथ दिलाया। विधान परिषद की बैठक हो रही थी, शायद जनवरी 1924 की बात थी। गृह सचिव थे सर लैम्बर्ट, उन्होंने एक भाषण दिया था जिसका लुब्बे लुआब यह था कि पहले इस लायक बनो तब स्वाधीनता की बात करो, हिंदुस्तानी इस लायक है ही नहीं कि स्वाधीनता की बात करें। उनके भाषण से सभी सदस्य क्षुब्ध थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जाए। पंत जी ने पड़ोस के एक कार्य सदस्य से पूछा कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा हाँ दे दो। तो पंत जी ने उस समय कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अंग्रेजों में बड़ी योग्यता है, तभी तो उनके पास अपना राज्य है, पर हम जानते हैं कि एक ज़माने में आपने अपने बादशाह को कत्ल कर दिया, इसके बाद फिर आपको राजा की ज़रूरत पड़ी, अपना शासन नहीं संभाल सके तो आपने दूसरा राजा बुलाया, उसे भगा दिया, फिर भी बिना राजा के आपका काम नहीं चला, आपके देश में कोई राजा उपलब्ध नहीं था तो आपने विदेश से राजा बुलाया, और इसके बाद आप कहते हैं, हमसे कहते हैं कि पहले योग्यता प्राप्त करो तब तुम राज्य करो। पंत जी का स्वराज दल के नेता के रूप में कोई औपचारिक चुनाव नहीं हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने सुझाव रखा था कि नेता के बजाय एक समिति बना दी जाए, लेकिन जब मोतीलाल जी ने पंत जी को कुमाऊं की समस्याओं तथा भारतीय संविधान संबंधी प्रश्नों पर परिषद में बोलते सुना तो उनकी वाक्पटुता, गहरा अध्ययन तथा असाधारण योग्यता से वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पंत जी को स्वराज पार्टी का नेता मनोनीत कर दिया। यह नेतृत्व उन्हें सहज ही प्राप्त हो गया। विरोधी दल के सदस्य और सरकार भी उन्हें नेता समझने लग गई। विधान परिषद में स्वराज पार्टी के 30 सदस्य चुने गए थे। इस प्रकार सबसे पहले परिषद में एक विरोधी पार्टी की विधिवत स्थापना हुई जिसका नेतृत्व पंत जी के सुयोग्य हाथों में था। नेतृत्व का यह दायित्व जो उनका जन्मजात गुण था पंत जी ने जीवन पर्यंत निभाया। The monstrous plot brought forth by the Baldwin-Birkenhead cabinet has been torn to pieces by almost everyone, even by those Indian politicians who have received solemn testimonials about their moderation and sobriety from the accredited representatives of the bureaucracy. So far as the Indian National Congress is concerned, its differences are fundamental and go to the very root of this scheme. We stand for self-determination. Parliamentary skill to behad thi. Jis waqt parliament mein khade ho jate the unka muqabla ab tak nahi hua hai. Aur bahut bahut patience thi. Beintaha patience thi. Ye nahi tha ki jaldi se bigad jaye. बहुत देर तक बहस करते जाएंगे। उनकी विशेषता संसदीय जीवन में यह थी कि सामने कोई कागज पत्र नोट कुछ भी नहीं, अद्भुत अपने तरीका एक रूप हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, कोई कागज कोई नोट नहीं, लेकिन एक के बाद एक नदी के बहाव और उफान की तरह उनके आंकड़े आते थे, उनके तर्क आते थे
और जब तर्कों की मार पड़ती थी तो मुस्कुराकर सर हिलता था, संभवतः और हिलाकर उस बात को कहते थे, और कहने के बाद सारे सदन में ठहाका, तालियां, लेकिन अपने बिल्कुल वैसे ही गंभीर के गंभीर। और ज्यों ही ठहाके की और तालियों की गूंज कम होती थी, फिर दूसरा हमला विरोधियों पर, मीठा लेकिन दर्दीला। और इस तरह एक के बाद एक उनके हमले ऐसे होते थे कि विरोधी भी निरुत्तर हो जाया करते थे। मार्च 1937 में संयुक्त प्रांतीय सभा में कांग्रेस दल का नेता चुने जाने पर उन्होंने केंद्रीय विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। विधानसभा के सदस्यों ने पंत जी को विदाई भोज दिया। इस भोज में केंद्रीय विधानसभा तथा यूरोपीय और भारतीय सदस्यों ने पंत जी के कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। जेम्स क्रिग ने कहा, पंत जी के चले जाने पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति का अभाव खटकेगा जिनके द्वारा बजट पर किए गए प्रहारों से मैं सबसे अधिक भय खाता था। उनकी संसदीय प्रतिभा, वित्तीय विषयों का ज्ञान तथा वक्तृता शक्ति अद्भुत थी। The finance minister has made an immortal contribution every year. The first year, he came here with bacchanalian abandon, and this word will immortalize him forever. The second year, that is the last year, he staged the stunt of recovery, which was very short-lived. And if there was any birth, it was stillborn. Now, in the third year, he comes to me in a chastened mood, like a good Samaritan, instead of a follower of Bacchus, with the slogan of resurrection. Every year, he has introduced something which, in the language of a Presbyterian pastor, must find an abiding place. The least that I should say about it is that it is a barbarous budget, and no civilized government dare present such a budget to any civilized community in any part of the world. पंत जी के तर्कों को सुनकर सर जेम्स ग्रेग काफी बौखला से जाते थे और अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश में उनके आरोपों का खंडन करने के बदले उन्हें नकारने लगते थे। It is easy to say no, but it is not easy to demonstrate and establish that no. I am prepared to establish my yes. But sir, while everything else has changed, the Honorable, the Finance Minister, is still touring a pretty cruise to the Robinson Crusoe Island in the stagnant backwaters of the surging economic sea. He refuses to take note of what has happened since the days of Adam and Smith, as he would not perhaps of what has happened since the days of Adam and Eve. He can only think of laissez-faire. ग्रेग पर पंत जी के इस दलील की प्रतिक्रिया अत्यंत ही उपेक्षित रूप में हुई। Do you observe laissez-faire in your country? Please answer then. Subsidies in England, how many millions? Protective duties, how many millions? Subsidies to the shipping industry, how many millions? Subsidies to the livestock industry, how many millions? Bounties to the wheat growers, how many millions? Bounties to the beet growers, how many millions? Preferential tariffs, against whom? Agreements and quotas, for what purpose?
the Economic Council, its objective, the Board of Trade, for what purpose, the Development Board, its constitution. Well, sir, I wait for a reply, and I expect the Honorable the Finance Minister to enlighten me on these points and tell me how far these are consistent and compatible with the underlying principles of laissez-faire. Pantji was one of the greatest parliamentarians we ever had in this country. In fact, I believe he would rank among the very best in the world. Pantji's way of dealing with the opposition was really great. He would disarm his critics by beginning with an acceptance of their argument and by praising their points of view. And then gradually, slowly, one by one, he would demolish all their arguments and would make them feel that there was no substance in all that they said. And it was important that his demolition of arguments did not leave any rancor or bad feeling behind. He spoke with great grace, friendliness and understanding, even of the opposition viewpoint, and the opposition in return appreciated his remarks and accepted them. I remember so many tidbits during his debates, in course of which he would put his opponent absolutely to shambles by his wit and humor. I remember the very first debate I heard him taking part on behalf of the government. There was some question of the government being deaf to public opinion. He said, I forget, either it was Dr. Hiren Mukherjee or some other great leader of the opposition. He said, what do you expect me to be when you never come and tell me? What do you want to tell me? I invite you to come and tell me every day, and you'll then see that my ears are as keen as that of anybody else. That was an end of the accusation. Well, he was one of the ablest parliamentarians, both in the Central Legislative Assembly in Delhi and also in his own state Legislative Assembly, and more so in the working in the AICC. He was very eloquent, but he did not appear to be eloquent. His words used to come one after the other with great force, in an effective manner, and his opponents used to shiver in their shoes by the effect of his speeches. दर्पण में बोलते थे, pin drop silence होती थी, एक-एक शब्द ऐसा लगता था जैसे चुनके लाया गया हो कहीं से, और उस शब्द के स्थान पर भी दूसरा शब्द आ नहीं सकता। लैंग्वेज की चेस्टिटी, लैंग्वेज का परफेक्शन, जो आइडिया थॉट है, थॉट प्रोसेस है, उनका कम्युनिकेशन कुछ सीखे तो पंजी के भाषण आदि पढ़ ले। वी हैव द प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन अ ग्रेट कंट्री, बट अ कंट्री डज नॉट बिकम ग्रेट सिंपली बिकॉज इट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, nor because of its big nation size. It is the unity of the people and their pursuit of common ideals that gives it the unity and gives the strength
to the country that raises it in the eyes of others. That undoubtedly becomes the most important condition to be fulfilled in any scheme of reorganization that we may make. In Parliament, there was no fight, no fight, no big things happened, no big things happened, but it seemed like Sthir Himalaya, like that, वो सुन लेते हैं और उसके बाद सब कुछ अपने अंदर रखते हैं और उसके बाद जैसे कि नदी की धारा हो वैसा पानी हमको हरिद्वार में मिलता है. उस समय कुछ कम लोग नहीं थे, आप जानते हैं, प्रतिपक्ष में काफी बड़े बड़े लोग और बड़े वाचाल लोग और बड़े वक्ता लोग थे, लेकिन पंत जी के जो अकाट तर्क होते थे जिनको कभी काट नहीं सकते थे उनको सुनकर पत्रकार लोग ये समझते थे. जैसे मैं कभी मुझे अगर अपना संपादकीय लिखना हो तो मैं सोचता था कि पंत जी ने जो तर्क दिए थे उनको तो काट नहीं सकते. कई बार ये प्रयत्न हम करते थे कि किसी प्रकार अपने उसको बैलेंस करने के लिए संपादकीय को पंत जी के तर्कों को हम काटने नहीं काट सकते थे. एक उनके जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये किस्सा बाद में मुझे सुनाया. वो शौकीन थे, शाम को क्लब अब जाया करते थे और उनको क्लब में एक मैसेज मिली होम सेक्रेटरी की कि आप जाके दफ्तर खुलवा के ये फिगर कलेक्ट कीजिए कि दिल्ली के मुकाबले और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में क्राइम रेट क्या है. तो बड़े गुस्सा हुए, गए रात को, उन्होंने सारे आंकड़े तैयार किए और फिर सवेरे उन्होंने भेज दिए. उसी दिन बजट की होम मिनिस्ट्री के बजट के डिमांड का जवाब था. तो वो ऑफिशियल गैलरी से जवाब सुन रहे थे, तो जब पिताजी जवाब दे रहे थे तो एक किसी ने उठ के पूछ दिया कि साहब क्राइम रेट दिल्ली का और दूसरे बड़े शहरों का कैसा है, क्या तुलना है उसकी. तो वो चुप रहे. फिर उसने पूछा तो उन्होंने 5-6 जो बड़े शहरों के आंकड़े सवेरे उनके पास आए थे वो दूसरे तीसरे डेसिमल पॉइंट तक सब कह दिए, बिना कागज उठाए या बिना कागज देखे. आई हैव नोन नोबडी इन गवर्नमेंट इन ऑल माय इयर्स वर्किंग एट द सेंटर ऑर इन ए स्टेट व्हेन a minister had such complete mastery of the subject he was to deal with in the legislature. He has studied a problem in great depth. He got all the data assembled, the laws examined, the previous history presented, mastered it all, and then took a view. We used to say, more or less jokingly in the ministry, that every file prepared for Panchi for dealing with the problem in Parliament had enough material for a doctorate, for a PhD. And never was any slipshod work placed before him, with the result that in all those years, and even for years after his death, the Home Ministry never had to face embarrassment because a wrong statement was made in Parliament or an unconsidered statement was made or a decision was presented in an unacceptable manner. मेरे ख्याल में सितंबर था 39, लड़ाई का डिक्लेरेशन हो गया था और कांग्रेस को बुरा लगा कि बगैर चुने हुए नुमाइंदों से पूछे हुए अंग्रेज ने हिंदुस्तान को लड़ाई में धकेल दिया. और वो रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया पंत जी ने, बहुत ज़बरदस्त तकरीर की. और मुझे याद है कि अपोजिशन वाले जो वहाँ लेफ्टिस्ट लोग थे उनका कहना था कि तकरीर तो बहुत अच्छी है
रेजोल्यूशन हमें मंजूर नहीं। अब कोई और होता तो उनसे झगड़ता उस चीज पर, तो पंत जी ने उनका बिल्कुल सारा किस्सा साफ कर दिया। उन्होंने कहा अच्छी बात है भाई, मैं अपना रेजोल्यूशन वापस लेता हूँ, मेरी सारी की सारी स्पीच को आप रेजोल्यूशन बना लीजिए। और एक तरफ से वो तालियां बजी और दूसरी तरफ से परेशानी उन लोगों की, क्योंकि पहले कह दिया था कि स्पीच बहुत अच्छी है, तो अब जिस चीज की तारीफ की अब उसी को फिर कैसे वो कहें कि नहीं हम हमें ये नहीं मंजूर। दिस असेंबली रिग्रेट्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज मेड इंडिया अ पार्टिसिपेंट इन द वॉर between Great Britain and Germany without the consent of the people of India, and have further in complete disregard of the Indian opinion passed laws and adopted measures curtailing the powers and activities of the provincial governments. This assembly regrets that the situation in India has not been understood by His Majesty's government, and in view of the failure of the British government to meet India's demand, this assembly is of the opinion that the government cannot associate itself with the British policy. There can be no equilibrium in the international order as long as a country such as India, with a population equal to 1/5 of the human race, is tied to the chariot wheels of another. We have no quarrel with any people, but we are determined to put an end to such systems and arrangements which are a menace to peace and which at any time can cause disequilibrium in politics. It is high time that England realizes that the sands of time are running fast. As it is, England has generated enough bitterness against herself in this land, and it will be to her disadvantage if, after becoming free, India carries with it memories of bitter association with England, as is the case with Ireland. Oh,
9 अगस्त 1900